नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी स्पेशल। मैं हूं दीपाली राणा और आज हम बात करेंगे खाने के तेलों की। दरअसल सरकार के ड्यूटी बढ़ाने के बाद से ही खाने के तेल की कीमतों में तेजी जारी है। सिर्फ 12 से 13 दिनों में ही दाम 5 से 10% चढ़ चुके हैं। ये तब है जब सरकार ने कंपनियों को कहा है कि त्योहारों तक खाने के तेलों के जो दाम है वो ना बढ़ाएं। तो कीमतों में तेजी के क्या कारण है और आगे क्या दाम और बढ़ सकते हैं, क्या ट्रेंड रहेगा प्राइसेस का, इस सब पर हम बातचीत करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एडी डॉक्टर बीवी मेहता, एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी और प्रो इंटेलिरेट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए। आप सभी का स्वागत है शो में। लेकिन मेहता साहब, पहले तो आपसे ही पूछना चाहेंगे, इनफैक्ट पिछले 10 से 15 सेशन अगर हम देखें तो वो तेजी की तरफ ही रहे हैं खाने के तेलों के। सरकार ने जो ड्यूटी बढ़ाई थी वो 14 सितंबर को बढ़ाई थी, लेकिन ड्यूटी बढ़ने के एंटिसिपेशन में प्राइसेस पहले से बढ़ना शुरू हो चुके थे और खबर आने के बाद भी बढ़े। अब अनुमान ये था कि शायद प्राइसेस थोड़े से स्टेबल रहेंगे, फिलहाल क्या स्थिति है भाव की? देखिए, दो तीन चीज बनी हुई है। एक तो इंटरेस्ट प्राइस लास्ट 15 डेज में 30 से 70 डॉलर बढ़ा है, उसके वजह इम्पैक्ट है। सेकंड, जो इंपोर्टेड ऑयल था वो तो 10 लाख टन का पॉट स्टॉक था, जब पहली सितंबर को 14 सितंबर तो आधा उसमें तो क्लियर भी हो गया, क्लियर हो गया था, और उसके बाद में खाली 4 या 5 लाख था जो लोअर ड्यूटी पेड में थे, लोअर ड्यूटी पेड था। 30 लाख टन का जो टोटल स्टॉक इंडिया का था उसमें 5 लाख टन पॉट में पड़ा था वो अनड्यूटी, तो गवर्नमेंट है रिटर्न टू अस, हमने सारे मेंबर को बताया कि अगर आपके पास लोअर ड्यूटी का स्टॉक है तो आप उसमें कीमत मत बढ़ाइए और एमआरपी के नीचे जैसे पहले बेचते ऐसे बेचिए, या नया जब भी आप स्टॉक लेंगे तभी आप उसमें भाव बढ़ेगा। और थोड़ा एक चीज और भी है, ये भाव बढ़ने का एक तीसरा रीजन ये भी है, आज अपने पास मस्टर्ड सीड के दाम भी ऊपर काफी गए लास्ट 10-15 दिन में, जो 5-6 हजार रुपए था अभी कम से कम 6,700-6,800 हो गए हैं। तो वो भी रीजन है कि भाव ऊपर जाने का, जो लोकल में भाव बढ़ा है। तीन रीजन में बताऊं कि अभी ड्यूटी बढ़ी एक थी, दूसरा जो स्टॉक था जो इंपोर्ट ऑयल का वो भी कम था, और तीसरा जो मस्टर्ड का प्राइस है वो भी एक उसके वजह से भी भाव बढ़े है। जहां तक इंडस्ट्री कंसर्न है, we have assured the government he will maintain the supply chain, और जितना भी माल है जो lower duty paid वो हम lower price में clear करेंगे, और advice हमने issue कर दिए member। अच्छा, तो दो बातें यहाँ पर मेहता साहब। पहली बात तो ये कि सरकार का तो मानना ये है कि लोअर ड्यूटी पे अच्छा खासा कंफर्टेबल इंपोर्ट हुआ है, और इंडस्ट्री का कहना यह है कि जो इंपोर्ट हुआ है लोअर ड्यूटी में वो 1 से 1.5 महीने ही चलेगा। तो पहले तो आप ये बताइए कि स्टॉक कितना है जो लोअर ड्यूटी पे इंपोर्ट हुआ था, पहली बात। दूसरी तरफ ये कि 14 सितंबर को सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई, तभी रिक्वेस्ट किया कि प्राइसेस कम होने चाहिए। आज ऑलरेडी 26 सितंबर हो चुकी है, प्राइसेस तो शायद कम नहीं हुए हैं। आपने कहा एडवाइजरी जारी की है, तो कब प्राइसेस हल्के होंगे, क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, ड्यूटी क्यों बढ़ाई पहले वो आप समझ लीजिए। ड्यूटी बढ़ाने का एक इरादा ये था गवर्नमेंट का कि किसान को काफी कम दाम मिल रहा था एमएसपी दे। मैं आपको बताऊं, 1-1.5 महीने सोयाबीन जो उसकी 4,892 एमएसपी है 4,200 में जा रहा था, काफी किसान मान रहा था। बाद में शिवराज साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम एमएसपी पे जो माल पड़ा खरीदे, तो मार्केट छोड़ी 4,200, 4,400, 4,500 तक आई। फिर जब ड्यूटी का नोटिफिकेशन आया तभी अभी मार्केट 4,700 पे है, एवन अभी भी एमएसपी क्रॉस नहीं किया है। हाँ, एक चीज जरूर है, जो एश्योरेंस दिया है अभी 10-15 दिन में माल आना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट और एमएसपी पे खरीदी करेगी 4,892 में सोयाबीन, वो एक अच्छा डेवलपमेंट है वो है। जहां तक स्टॉक है, पहले एक समझ लीजिए, इंडिया ऑपरेट्स अबाउट 25 to 35 डेज स्टॉक्स, मतलब 20 से 25 लाख का इन्वेंट्री हमेशा मेंटेन रहती है। यू कांट हैव जीरो इन्वेंट्री, अगर जीरो इन्वेंट्री तो भाव तो ऊपर 1,000 रुपया। तो नॉर्मली 20 से 25 लाख की इन्वेंट्री चलती है, और वही लाइन में जीरो कभी नहीं होती है, ये तो बॉटम पे कभी नहीं आता है, क्योंकि माल एक से माल आता है इंपोर्ट से, लोकल प्रोडक्शन भी आता है, दोनों मिला के और माइनस कंजम्पशन और स्टॉक बनता है। जहां तक का इंपोर्टेड 14 तारीख तक तो काफी माल जो आया था इंपोर्ट का
वो आधा तो क्लियर हो गया था और लोगों को मार्केट में जो हवा चल रही थी कि भाई शायद ड्यूटी बढ़ेगी, शायद ड्यूटी बढ़ेगी, तो इसे ह्यूमन नेचर थोड़ा भी ऐसा ही लगता है तो ज्यादा जल्दी क्लियर कर लेते हैं, तो ज्यादा क्लियर हो गया था। 14 तारीख के बाद में 5-6 लाख टन से ज्यादा माल जो बिना ड्यूटी वाला हायर ड्यूटी में क्लियर हुआ, इतना ही है, बाकी तो सारा क्लियर हो गया था। और जब एक दफा क्लियर होता है तो ऐसा नहीं है, वो तो बाईबैक हो जाता है। आज कोई भी इम्पोर्टर है, जब भी माल लाता है तो आधा माल तो रास्ते में बेच देता है, जरूरी नहीं कि पूरा माल आए अनलोड करे बाद में वो बेचे, तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये भी है। और जहां तक सवाल है 10 तारीख 14 तारीख अच्छा, का, तो मैं हाँ जी 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 बोलिए। नहीं, 14 तारीख का जो आपने कट ऑफ बोला तो पूरा उसमें ज्यादा, ये 4-5 लाख, आज भी मैं मानता हूँ 4-5 लाख टन से ज्यादा माल नहीं पड़ा है जो ड्यूटी लोअर ड्यूटी वाला वो माल है, और वो भी कहाँ का पड़ा ओ वो भी चला गया होगा, कहाँ से पाइपलाइन के प्रोसेसर के पास होगा, होलसेलर के पास भी होगा, और आपने एमआरपी लगाई है तो एमआरपी के ऊपर तो बेच ही नहीं सकता है। अभी जो नया आया 20% ड्यूटी वाला, ओके उसमें एमआरपी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बताइए फिर मेहता साहब, ये भाव भाव फिर ऑलरेडी बढ़ तो चुके हैं, अब यहां से क्या भाव थोड़े से स्टेबल रहेंगे क्योंकि आगे फेस्टिवल्स भी हैं, तो क्या ट्रेंड रहेगा अब यहाँ से भाव का, क्या एक्सपेक्ट करें फिर, चाहे हम सोयाबीन की बात करें, सरसों की बात करें, आपने भी खुद कहा कि सरसों के दाम भी एमएसपी के पार निकले, सोयाबीन में भी हमने वैसा ही ट्रेंड देखा, तो अलग अलग अगर तेलों की बात करें तो भाव कैसे देख रहे हैं फिर मौजूदा स्तरों से। दीपाली जी, एक चीज मैं जरूर बोलूँ, थोड़ा साइडलाइन पे है, हमने अर्बन कंज्यूमर को ज्यादा पेम्पर किया है। अगर आप और मेरे घर में हर महीने 2 किलो तेल चाहिए या 3 किलो चाहिए, अगर मेरा बजट 30 रुपया बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ता है, मगर उससे टनल में किसान को कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है। और एक चीज और समझ लीजिए, जो 10 साल पहले 80-90, 10 साल से 80-90 रुपये में तेल मिल रहा था, वो तो आपको माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। अब ये पकड़ लीजिए कि 120-125 रुपए का ही आपको तेल मिलने वाला है। आप एक दफा किसान को अच्छे दाम देना चाहते हैं तो कैसा करेंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि माइंडसेट चेंज करें। बाकी सारे कमोडिटी भाव आप देखें 10 साल में कितना बढ़ा है, उस साल में तेल के दाम ही नहीं बढ़े थे, तो तेल के दाम भी बढ़ना चाहिए ताकि किसान को सही दाम मिले। हाँ, जब तक अभी आगे की आपने बात की, देखिए 20% ड्यूटी वाला तेल है तो थोड़ा महंगा, 7-8 रुपये 10 रुपया किलो पे पड़ेगा, और एक्सपेक्टेड है अगर आपको एमएसपी किसान को देनी है तो तेल, जब तक तेल के भाव नहीं बढ़े तो सीड के कैसे दाम बढ़ेंगे। और दूसरा एक बड़ा नया डेवलपमेंट है, यानी भाव कम नहीं होंगे? भाव गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ाए तो कैसे भाव कम हो गए, पर्पस क्या है पहले आप समझ लीजिए दीपाली जी, किसान के लिए बाहर ड्यूटी बढ़ाइए, किसान के लिए बढ़ाइए, कंज्यूमर के लिए नहीं, किसान नहीं, को सही किसानों दाम के साथ मिले। साथ सरकार ने तो कंज्यूमर का भी ध्यान रखा है ना, तभी तो उन्होंने ये कहा है कि जो पुराना इम्पोर्ट है उसको ध्यान में रखते तो हुए दाम उसको कम भी खत्म हो कीजिए। जाएगा 15 मैं तो दिन उस में, हिसाब जो से आपसे ये सवाल पूछ रही थी। दीपाली जी जो लोअर ड्यूटी वाला माल पड़ा तो 15 दिन में ओके, खत्म हो जाएगा, बाद में क्या करेंगे, भाव तो बढ़ने वाले, एक तो एक्सेप्ट करना भाव ही पड़ेगा चलिए, आपको। तो फिर ठीक है, तो भाव यहां से कम नहीं होंगे अब क्योंकि आगे त्योहार भी है, तो मांग तो अच्छी है, आप देख रहे होंगे मांग कैसे देख रहे हैं। मांग तो अच्छी है और सप्लाई चेन काफी कंफर्टेबल है, स्टॉक से सप्लाई चेन कंफर्टेबल है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हो सकता है जैसे ड्यूटी 20% बढ़ाई है तो 10-12 रुपया का भाव बढ़ने वाला ऑलरेडी बढ़ गया है, रात दिन में बताओ इतने तो भाव बढ़ा ही है। और अपना मैं पहले भी बताया, कंजम्पशन कितना है, 2 या 3 किलो आपके घर में खाते महीने में, क्या फर्क पड़ने वाला है 30 रुपया में। तो फिर अच्छा, फिर तो ये मान के चलें कि भाव कम तो नहीं होंगे, वो तो आपने बता दिया, बढ़ने की कितनी संभावना है फिर यहां से, क्योंकि दीपाली आप जी, ड्यूटी सरकार बढ़ा चुकी है, अगर किसान आप को बेहतर देखें भाव देना है, आगे त्योहार भी हैं। दीपाली जी, पहले हमारे हाथ में जो नहीं है, इंटर से भाव भी लास्ट 15-20 दिन में कम से 50 डॉलर बढ़े, उसे हमारे हाथ में नहीं है। मस्टर्ड के दाम बढ़े हैं तो मस्टर्ड का तेल के दाम बढ़े तो साथ बाकी तेलों के दाम साथ में ऊपर गए हैं, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और देखिए आज एक क्रशर है, पहला वो देखता है कि भाई मैं जब भी सीड खरीदू तो मेरा तेल में से कितना मिलेगा, मिल में से कितना मिलेगा, और मेरा प्रोसेस कॉस्ट क्या है, मेरा ब्रेक इवन है।
आज ब्रेक अवन जो अगर सोयाबीन की किसान की बात सोयाबीन का क्रशर की बात करें तो 4700 रुपये पर क्विंटल से ब्रेक इवन टूडे आज की तारीख में कहा उसका ब्रेक इवन होता है। एक और जो गड़बड़ हुई है सोयाबीन मिल के दाम काफी नीचे गए। नॉर्मली क्रशिंग में क्या होता है एज अ सीड सीड के वजह से आपका क्रशिंग चलता है या तो मिल के वजह से अभी मिल के दाम काफी नीचे है उसके वजह से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्रशिंग। अगर मिल के भी दाम बढ़े तो तेल के दाम थोड़ा चेकमेट रहता है अभी मिल इज नॉट सपोर्टिंग। और वर्ल्ड वाइड जैसा आज मिल के जो चार रबर 412 मिलियन का क्रॉप है देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द इंटरनेशनल मार्केट अबाउट सोयाबीन मिल तो अपना भी सोयाबीन मिल का भी डिस्पोजल विल बी ए प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस सीजन। तीसरा एक प्रॉब्लम जो आया है डीडीजी मेज का है या तो राइस का है दैट ऑल्सो ईटिंग ऑफ द मार्केट ऑफ सोयाबीन और अदर ऑयल भी तो उनके वजह से भी डिमांड कम रहेगी ऑयल मिल की तो भाव कैसे बढ़ेंगे। आप ऑयल के दाम बढ़ाए मिल के भी दाम मिल को भी सपोर्ट करना पड़ेगा मिल को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पर चाहे जो भी है मेरे ख्याल से ये जो ड्यूटी बढ़ाई है ये किसान के हित में बढ़ाई है कंज्यूमर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एंड लेट्स नॉट पैम्पर टू मच टू द अर्बन कंज्यूमर। हम किसान के तरफ भी देखे जो 5 या 10 बीघा जमीन में खेत करता है उनके लिए भी देखना पड़ेगा और जो किसान के जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे इंडस्ट्री जिंदा रहेगी। क्या हम इम्पोर्ट पे डिपेंड रहना चाहते हाँ जी मैडम जी चलिए शुक्रिया मेहता साहब आपने डिटेल्स में समझाया क्या स्थिति है क्यों दाम बढ़ रहे हैं आगे भाव कैसे रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के एडवाइजरी के बावजूद भी जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं वो 22 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ते हुए हमने देखे हैं और 8 से 22 रुपये प्रति लीटर ये रेशियो रहा है प्राइस हाइक का। इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक तो हुआ ही है सोयाबीन सनफ्लावर पाम ऑयल पर और लेकिन प्राइसेस पहले ही बढ़ना शुरू हो चुके थे अब आगे फेस्टिवल्स हैं तो अब कह तो रहे हैं मेहता साहब कि उन्होंने एडवाइजरी जारी की है उन्होंने कन्वे किया है कि यहाँ से प्राइसेस फर्दर ना बढ़े कंट्रोल रहे बट लेट्स सी बट सो फार तो प्राइसेस अप ट्रेंड में ही रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं साथ ही दिनेश सुमानी है। अब लेते हैं ट्रेड्स जतिन नमस्कार पहले बताइए आपने कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। दीपाली ट्रेंड बेस कॉल दूंगा मैं एक तो सिल्वर है जो एग्रेसिवली ट्रेड कर रहा है बेस मेटल का सपोर्ट मिल रहा है उसको गोल्ड का भी सपोर्ट मिल रहा है सिल्वर के अंदर लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन रहेगी 93300 से लेकर 93200 के बीच में लॉन्ग करना है 200-300 पॉइंट की गिरावट आती है तब और 92800 का स्टॉप लॉस रखना है और 94000 तक के टारगेट रख के चलना है इसके अंदर। दूसरी जो मेरी पिक रहेगी वो रहेगी एल्यूमिनियम के अंदर 236 से लेकर 235 के बीच में इसमें बाय करके चलना है और स्टॉप लॉस जो है 232 के नीचे रखना है और हायर साइड पे टारगेट जो है वो 240 के आसपास रख के चलना है अक्टूबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट उसकी बात करना है। दिनेश जी आपने कौन से ट्रेड्स निकाले हैं? जी बिल्कुल सिल्वर काफी स्ट्रॉन्ग है जैसे कि जतिन जी ने कहा सिल्वर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है एल्यूमिनियम भी काफी स्ट्रॉन्ग है बेस मेटल्स और इंडस्ट्रियल गुड खास करके सिल्वर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं लेकिन ऑलरेडी कॉल दे चुके तो मेरा कॉल रहेगा गोल्ड में। मुझे लगता है कि 75,500-75,520 के आसपास गोल्ड बाय किया जा सकता है 75,850 का लक्ष्य दिखा जा सकता है 75,300 के स्टॉप लॉस से। सिल्वर मुझे लगता है कि कहीं 93,200-93,300 अगर आती है तो बाय किया जा सकता है 94,400 का लक्ष्य और 92,500 का स्टॉप लॉस मिलती है। ओके तो सिल्वर पर ही ट्रेड रिकमेंड किया है दिनेश जी ने भी यहाँ पे इनको लगता है खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। अच्छा जतिन गोल्ड पर क्या सलाह आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद एक दायरे में ट्रेडिंग होते हम देख रहे हैं दायरा क्या रह सकता है नियर टर्म में प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस कितने हैं क्या आउटलुक है स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से और अगले कुछ दिनों के लिए? दीपाली देखिए ब्रॉडर ट्रेंड इंटैक्ट है पॉजिटिविटी का क्योंकि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रहा है ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स की भी बाइंग रहेगी साथ ही साथ में जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इंटरेस्ट रेट कट से जो मिलने वाला है वो अभी भी इंटैक्ट रहना चाहिए क्योंकि 2024 के एंड तक और आधे बेसिस पॉइंट का जो कट है वो एक्सपेक्टेड है और साथ ही साथ में नेक्स्ट ईयर के अनुमान भी है कि 1% और इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो लिक्विडिटी की कोई इश्यू यहाँ पर होने नहीं वाली है। जब तक कुछ नया ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक बुल जो है वो इसको ट्रेंड को राइड ही करेंगे छोटी मोटी जो भी गिरावट आ जाती है तुरंत उसके अंदर बाइंग आ जाती है तो ट्रेंड बेस ही इसके अंदर व्यू पॉइंट लेके चलना है। जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से
जिन्होंने ये रैली पूरी मिस आउट की है फ्रॉम 73,000 से 75,500 का, तो उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। जब भी कुछ एक न्यूज फ्लो की वजह से या कोई डेटा के कारण, यूएस के डेटा के कारण शाम के सत्र में कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए और प्राइसेस के अंदर 400-500 पॉइंट की कभी भी गिरावट आए, तब उसके अंदर एंट्री का पोजीशन ले सकते हो। लेकिन जो ऑलरेडी पोजीशन में है उन्हें यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी है, और अगर बहुत एग्रेसिवली किसी ने पोजीशन की है तो या तो हेज करके चले ऑप्शन के द्वारा, कोई पुट ऑप्शन या तो ले या तो फिर कोई कॉल ऑप्शन बेच के रखे अपने फ्यूचर पोजीशन के सामने, क्योंकि अभी भी ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट ही लग रहा है। रिवर्सल के सिग्नल जब तक आते नहीं है तब तक पार्टिसिपेट करना या टॉप प्रेडिक्ट करना वो रिस्की बेट हो जाएगा, क्योंकि इसके चक्कर में ऑलरेडी 2,000 पॉइंट तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो ये रैली ऑलरेडी अगर मिस कर दिया होता किसी ने, अगर ये टॉप प्रेडिक्शन का ट्राई करता तो हमारा सलाह अभी यही है क्लाइंट्स के लिए कि राइड करना है इस बुल ट्रेंड को और ट्रेलिंग करते जाना है। फिलहाल जो मेरे लिए जो ट्रेलिंग लेवल है और रिवर्सल पॉइंट है वो 74,000 का है गोल्ड के अंदर। जब तक 74,000 ब्रेक नहीं करता तब तक ये बुलिश ट्रेंड जो इंटैक्ट लग रहा है। ओके अच्छा, एल्युमिनियम का जिक्र तो हुआ ऑलरेडी, यहाँ पर जतिन ने खरीदारी का ट्रेड रेकमेंड किया है, लेकिन दिनेश जी अगर पूरी बेस मेटल पैक को देखें तो स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखी है। कॉपर और जिंक इन दोनों पर आपके सजेशन क्या है? जी बिल्कुल दीपाली जी, पिछले 4 या 5 दिन का ही अगर आप दायरा देखो तो यही कॉपर जो है 800 के अंदर ट्रेड कर रहा था, मेरे हिसाब से 798.50 का लो बनाया था इसने, और वहां से बढ़कर अभी करीब करीब 852-853 रुपए का ट्रेड हो रहा है। 55 रुपए की तेजी महज 4 या 5 दिन में आई, एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक हमें देखने मिला है। चाइनीज जो डेटा है, जो स्टिमुलस पैकेज आया है, उससे काफी बड़ा बूस्ट मिला है कॉपर के लिए। मुझे लगता है ये जो बूस्ट है ये बरकरार रहना चाहिए और कॉपर में तेजी और भी बरकरार रह सकती है। डाउनसाइड 848 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर आता है तो एक बार बाइंग की सलाह रहेगी। 862 के लक्ष्य और 842 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और अगर मैं जिंक की बात करूं तो ये एक ऐसा काउंटर है जो मल्टी ईयर हाई क्रॉस करने की पूरी पूरी संभावना भी लग रही है। एज ऑफ नाउ अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 279 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 277.50 के आसपास बाय करना चाहिए। 284 के लेवल्स 8 से 10 दिन में हमें देखने मिल सकते हैं। 274 का स्टॉप लॉस मिट इन करके जिंक में अपनी बाइंग बरकरार रखनी चाहिए। ओके अच्छा, एक राय कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं जहां पर सऊदी अरेबिया की तरफ से आउटपुट बढ़ सकता है। इन खबरों के बीच में हमने प्राइसेस ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आते हुए देखे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। जतिन क्या व्यू है आपका? दीपाली दोनों तरफ के ट्रेड्स बन रहे हैं, पिछले हफ्ते 10 दिन की बात कर ले तो वॉलेटिलिटी के साथ ही ट्रेड हो रहा है। क्रूड ऑयल का मार्केट जो है हाईली रिस्की मार्केट और हाईली रिस्की बेट रहेगा, जो भी ट्रेड करे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करे। एक काउंटर बेट है मेरे पास इंट्राडे के लिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फुल बैक आ सकता है टुवर्ड्स 5750 से लेकर 5800 तक का। स्टॉप लॉस जो प्लेस करके चलना है आपको 5625 के नीचे प्लेस करना है, करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही बाय करके चल सकते हैं। क्योंकि ये काउंटर बेट है इसके लिए प्लीज स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, या तो फिर हेज कर लीजिए किसी ऑप्शन के जरिए, या कोई ऑप्शन में ही पुट ऑप्शन लेके चलिए, क्योंकि कॉल ऑप्शन लेके चलिए। व्यू पॉइंट यहाँ से ऐसा है कि 70-100 पॉइंट तक की एक रैली मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में, 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट रहेगा। ओके चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए। कच्चे तेल पर भी 5688 के मुझे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुक्रिया जतिन और दिनेश जी आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।